तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर एग्ज़ाम में टॉपर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। आपको इसमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या करना होता है एक टॉपर बनने के लिए। दोस्तों, टॉपर बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, जो दिन रात पढ़ाई ना करके सिर्फ 2-3 घंटे में ही अपना पूरा कोर्स पूरा कर लेते हैं, जिसमें वह अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एग्ज़ाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सभी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपको अलग तरीके से पढ़ाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग टॉपर बनते हैं वह अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको पढ़ाई भी अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो अपने खुद के नोट्स बनाकर उनसे पढ़ाई करिए, तभी आप एक टॉपर बन सकते हैं। और बाकी की जानकारी हम आपको हमारी वीडियो में देंगे कि आप एक टॉपर कैसे बन सकते हैं, किस तरह से टॉपर बना जाता है जिससे कि आपका देश में नाम हो। क्योंकि दोस्तों, टॉपर जो बनते हैं उनका देश में नाम होता है कि आज इस देश में यह टॉपर बना है, या इस देश में इस टॉपर के नाम से आप जाने जाएंगे। तो अगर आप भी अपना नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जान लेते हैं हमारी वीडियो की जानकारी को। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बनना तो आप इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जान लीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। तो आइए, चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टॉपर कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि हर क्लास में एक ही ऐसा विद्यार्थी होता है जो हर बार परीक्षा में टॉप करता है, और क्लास में अन्य विद्यार्थी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वह हर बार एग्ज़ाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट से आगे नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में अन्य विद्यार्थी यह अवश्य सोचते हैं कि आखिर वह टॉपर ऐसा क्या करता है या फिर ऐसा क्या पढ़ता है जिसके कारण वह हर बार परीक्षा में टॉप करता है। अगर हम भी प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा पढ़ने से वह विद्यार्थी टॉप नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ाई तो टॉपर विद्यार्थी के अलावा अन्य विद्यार्थी भी करते हैं, परंतु फिर भी वह टॉप नहीं कर पाते हैं। वहीं क्लास का टॉपर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता भी है और यहाँ वहाँ घूमता भी है, साथ ही वह अपनी लाइफ एंजॉय भी करता है, और फिर भी वह परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करके क्लास में टॉपर बन जाता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टॉपर कैसे बने और टॉपर बनने के लिए क्या करें। टॉपर मीनिंग को जान लेते हैं, टॉपर क्या होता है, टॉपर बनने के लिए तरीका, टॉपर कैसे बनते हैं आदि की सारी जानकारियाँ विस्तार में जानने को मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम आपको हमारी वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी देंगे कि आप एक टॉपर कैसे बन सकते हैं, टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह से आप एक टॉपर बनकर पूरे क्लास में अपना नाम कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्लास में भी एक टॉपर होगा जो आपसे ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं होगा, फिर भी वह क्लास में टॉपर आता है। टॉपर का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने से कोई भी बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, जैसे कि आपको इस पॉइंट में पता चल गया होगा। अगर दोस्तों आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत पॉइंट जानने की ज़रूरत है कि टॉपर किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करने के बाद वह टॉपर बनते हैं। यह सभी जानकारी हम आपको हमारी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आइए, चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जान लेते हैं कि टॉपर किस तरह से बन सकते हैं, टॉपर बनने वाले स्टूडेंट को कौन कौन से पढ़ाई करनी होती है, किस तरह से कौन से पॉइंट से पढ़ना होता है, या उनके कौन से तरीके
तरीके होते हैं उसके टिप्स भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे बताए वीडियो में चलेंगे तो आप हमेशा क्लास में टॉपर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी बता देती हूँ कि आप एक क्लास में टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि टॉपर बनना ना सिर्फ पूरी क्लास में आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा बल्कि इस विशेष उपलब्धि की वजह से आपके माता पिता का नाम भी रोशन होगा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि एक टॉपर होने का मतलब है कि यही है कि आप पढ़ने में काफ़ी तेज हैं और आप क्लास के अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इसके अलावा आप टॉपर बनने के आपके स्कूल या कॉलेज के अन्य स्टूडेंट आपके सामने चक्कर संपर्क करने के की कोशिश करेंगे जिससे कारण आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा और स्कूल अथवा कॉलेज में स्टूडेंट के बीच आपकी और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, हमेशा बनी रहेगी। और क्योंकि आप एक टॉपर हैं इसके अलावा स्कूल में कॉलेज में टॉपर बनने से हो सकता है कि आपको आपकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाए। और तो यह तरीके फ़ायदे अनेक हैं टॉपर कैसे बने। दोस्तों कई लोग यह सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए रोज़ाना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है और तभी टॉपर बन सकते हैं। हालांकि हम जानने आपको बता दें कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका सोचना बिल्कुल गलत है। टॉपर बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपको गधे की तरह बस किताब के सामने बैठे रहना है और अपनी आँखें दुखानी है, बल्कि टॉपर बनने के लिए आप जो भी पढ़ते हैं आपको उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ यह सोचेंगे कि मुझे तो ज़्यादा नंबर लाने हैं फिर मैं ज़्यादा पढ़ाई करके ही टॉपर बन सकता हूँ। तो दोस्तों आइए आगे की जानकारी के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं टॉपर विद्यार्थी की स्मार्टनेस यह होती है कि वह अपनी स्टडी लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर रखता है और यही टॉपर बनने का सीक्रेट भी है। एक टॉपर स्टूडेंट की यह खासियत होती है कि वह जब भी पढ़ाई करने बैठता है तो वह सिर्फ पढ़ाई ही करता है और इसके अलावा उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं लगता है। वही जब वह पढ़ाई करके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में होता है तो वह अपनी पर्सनल लाइफ को ही एंजॉय करता है, ना कि पर्सनल लाइफ में भी पढ़ाई को टेंशन लेता है। एक टॉपर जब अपना कोई भी काम करता है, चाहे वह अपनी पढ़ाई करता है या फिर कोई अपना पर्सनल काम करता है, तो उसका ध्यान सिर्फ उसी काम में होता है जिसमें वह यानी कि अपना काम करना चाहिए होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर एक या फिर अपना पर्सनल काम करता है तो उसका ध्यान सिर्फ उसी काम में होता है, यानी कि वह अपना 100% ध्यान उसी काम के अंदर लगाता है। और ऐसे में यह बात तो लाजमी है जो व्यक्ति अपना सारा ध्यान किसी एक काम के पीछे ही लगाता है तो उस काम के अंदर उसे सफलता अवश्य मिलती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि परीक्षा में टॉप करने के लिए किताबों के दिए गए लेसन्स को अच्छे से याद करना पड़ता है, साथ ही उन्हें अच्छे से समझना होता है। टॉपर बनने के लिए टिप्स। टॉपर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि यह आसान है। हालांकि फिर भी आपको टॉपर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी क्योंकि आपने क्लास को आप अकेले में ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जो टॉपर बनने का सपना देखते हैं, यह फिर टॉपर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके अलावा भी आपकी क्लास में अन्य स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करनी होती है। नीचे हम आपको टॉपर बनने के लिए कुछ टिप दे रहे हैं इस जिन्हें आपको टॉपर बनने के लिए फॉलो करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं जान लेते हैं वह ज़रूरी टिप्स कौन सी है। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए।
तो आइए दोस्तों बता दें, कमजोर विशेष विषय पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होगा, परंतु आपको उन विषय पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जिसमें आप कमज़ोर हैं। आप चाहें तो उस विषय की कोचिंग भी कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट गणित के सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को गणित समझ में नहीं आती है, तो ऐसे में आपको गणित के विषय पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आपको हमने वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट बता दिए हैं। आपको जानकारी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।